मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 23 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले मीठे बच्चे, पाप समान खुदाई खिदमतगार बन, आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो, सर्विस का शौक रखो। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन, आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो, सर्विस का शौक रखो। बाबा आज प्रश्न पूछ रहे हैं कि कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते हैं, उसका कारण क्या है? तो उत्तर में बाबा कहते, उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती रहती है, तो कहा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात कर्म ही इनके खोटे हैं। बाबा ने एक और प्रश्न पूछा कि कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बिना रह नहीं सकते। तो बाबा कहते, रहम दिल बनने का स्वाद। जिसे ज्ञान का स्वाद आया है वही रहम दिल बनना जानते हैं। रहम दिल बच्चे सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। मुरली का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह जो अक्षर सुने कि तू प्यार का सागर है, तो तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? कि यह बाप सबसे प्यारा है। बाप को जब याद करते हो तो वर्षा याद आ जाता है। जिसको बाप याद आएगा, निश्चय हो जाएगा, तो जरूर खुशी होगी। यूं तो शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो शिवलिंग को शिव बाबा ही कहते हैं, परंतु उनको इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? वह तो शिवलिंग पर दूध फल फूल आदि चढ़ाते हैं, तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार ही नहीं। निराकार भगवान वह तो पिता हुआ ना, तो भक्तों का भगवान वह रचयिता भी है। उन्होंने इस मनुष्य सृष्टि को रचा है। यह भी गाया जाता है कि उनकी भक्ति करते हुए भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है, उतना और कोई को नहीं चढ़ता। भगवान का नाम सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं। बुद्धि में आता है कि बाप से हमको बाप के घर का भी वर्षा मिलता है और बाप की मलकियत का भी वर्षा मिलता है। बच्चा तो बाप के घर में ही जन्म लेता है, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती। जायदाद का कारखाना जमीनें आदि बाहर में इधर उधर रहती हैं। भल घर में भी जायदाद है, परंतु प्रॉपर्टी की फिरती घिरती यानी कि अदला बदली होती रहती है। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है और प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं हम? कि हम बाप के घर के मालिक बनते हैं, जो कभी बदल सदल नहीं हो सकता। स्वीट होम की बदल सदल नहीं होगी, बाकी रजाई तो कितना बदल सदल होती है। वह चल है और वह अचल। मुक्तिधाम अचल है, यहाँ तो बदली सदली होती है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वैश्यवंशी में आते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति, तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। जानते हो, बाप की जो अचल संपत्ति है उनके तो सब मालिक बनते हैं, बाकी जो चल संपत्ति है वह तो बच्चों को नंबर वार मिलती है। तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। स्वर्ग में तुम राज्य करते हो। चारों युग जो हैं उनमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य है। जो देवी देवता धर्म वाले हैं, सब तो सारा चक्र लगाते नहीं, तो इस धर्म वाला कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया तो निकल आएगा। क्रिश्चियन धर्म में, बुद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, वे सब निकल आएंगे। ऐसे बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, देखने में आता है कि कोई समय ऐसा भी आएगा, यह जो नॉलेज है उसे कोई भी समझ सकते हैं। इस सृष्टि चक्र को जानना तो कॉमन बात है, पर कितना भी डल हेड हो तो भी बुद्धि में ये आता है ना। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं, नहीं, यह तो पढ़ाई है। वह है हद की पढ़ाई और ये है बेहद की पढ़ाई। सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है कि यह चक्र कैसे फिरता है। और धर्म तो बाद में आते हैं। ये नॉलेज बहुत सहज है,
कोई तो मुश्किल समझते हैं, परंतु फिर इतना योगी बनना है ना, कोई मुश्किल समझते कि ऐसे इतना योगी कैसे बन जाएंगे। सब उनको याद करते हैं, सृष्टि चक्र को तो जाना है, परंतु वह अवस्था भी तो चाहिए ना। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी ही मेहनत लगती है, कोई ना कोई विघ्न निकल पड़ते हैं। खुद भी कहते हैं कि मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है। बाबा ने कल रात को भी समझाया कि ये तुम लिख सकते हो कि हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं। कहा भी प्रदर्शनी वो प्रोजेक्टर दिखाया जाए तो ये वंडरफुल बात जरूर लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से तुमको हम इस प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतलाते हैं। बाप कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक श्रीमद द्वारा यह पुरुषार्थ कर रहे हो। वह तो कहते हैं कि कल की आयु ही लाखों वर्ष की है, कलयुग तो अभी बच्चा है। तुम कहते हो, क्या कहते हैं हम, कि हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो मनुष्य वंडर खाएंगे कि क्या लिखते हैं। अगर कहें कि सत्युग को लाखों वर्ष हुए तो पूछो देवताओं की इतनी जनसंख्या कहाँ है। हिंदुओं की आदमशुमारी कम निकलती है, हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, हिंदू ही कितने मुसलमान बने होंगे, उनको शेख कहते हैं, वैसे भी बहुत हैं। कोई तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानते भी नहीं है, आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन था ही नहीं। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगजीन की तो बात ही नहीं, अखबारें तो लाखों की अंदाज में छपती हैं। हाँ, वह पैसे तो बहुत लेते हैं, समझाने से वह डाल सकते हैं, चक्र भी डाल सकते हैं। बाबा ने जो प्रश्न लिखा था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण व शिव, वह भी अखबार में डाल सकते हैं, कभी खर्चे पर डालते हैं, कभी लोन पर भी देते हैं। बड़ी अच्छी अखबार में डालो, परंतु हमेशा पढ़े तब मनुष्यों की आंख खुले, है ना। तो एक बार डाला, कोई ने पढ़ा, कोई ने नहीं भी पढ़ा। रोज डालने से मनुष्यों की आंख खुलेगी, फिर आकर ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ करने में भी कितनी मेहनत लगती है, बहुत माया के तूफान आते हैं, मेहनत तो है ना। तो अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना, प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, अखबार तो चारों ही ओर जाती है, सारा ही दिन ख्यालात चलते रहते हैं, वर्णन करना पड़ता है कि क्या किया जाए, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बच्चे, सोसाइटी की सर्विस करना ये खिदमत है ना। तुम बच्चे जानते हो कि वह सब आसुरी सोसाइटी है, अब उनको दैवी सोसाइटी बनाना है, सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना है, सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। दुनिया पहले स्वर्ग थी, अब नर्क बन गई है, ये चक्र कैसे फिरता रहता है, ड्रामा है ना। तो सब स्वर्ग है तब नर्क नहीं, जब स्वर्ग होगा तब नर्क नहीं, कहां गया, नीचे। ड्रामा को फिर फिरना है, यह चैतन्य ड्रामा है, सेकेंड बाय सेकेंड जो एक्ट करते हैं यह तुम्हारी बुद्धि में है, और तो कुछ भी नहीं समझ सकते। ड्रामा को समझ जाए तो फिर ये बातें ठहर ही ना सके कि यह कल्प लाखों वर्ष का है। स्वस्तिका भी बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है, स्वस्तिका की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं कि ये क्या चीज है, अर्थ कुछ नहीं। तो ये चक्र समझाना पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। तुम कहते हो कि हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे हैं, यह राजयोग है। त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की राजाई मिलती है और शंकर द्वारा यह आसुरी सृष्टि खलास होती है। बस बुद्धि में यही ख्यालात चलते रहे, बहुत खुशी में रहना होता है। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं जिससे तुम बहुत सहज रीति से समझा सकते हो। बैग्स में भी यह चित्र लगवा सकते हो, त्रिमूर्ति और चक्र का। भल लक्ष्मी नारायण के चित्र में और सब है, श्री कृष्ण का भी है, सिर्फ चक्र में नहीं है। एक चित्र में सब चीजें कहाँ तक डाल सकते हैं, इसलिए वह फिर समझाया जाता है। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, परंतु यह किसी को पता ही नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण कौन है।
तुमको अब कितनी नॉलेज मिली है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कहां भी जाकर तुम सर्विस कर सकते हो, श्रीनाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते हो। ट्रस्टी लोगों को समझाओ, कॉस्केट पर कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी। किसी भी कॉन्सर्ट में बाबा कहते किसी को भी समझाने से खुशी होगी, समझेंगे कि ये तो जैसे भगवान स्वयं रूप धारण कर समझा रहे हैं। कोई कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है, परंतु बड़ों बड़ों के पास जाते ही नहीं है। कहां भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो, खर्चे की बात नहीं है। पहले तो वो समझेंगे कि ये कुछ शायद लेने के लिए आए हैं। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट जाता है। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए, बहुत रहम दिल बन बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहम दिली का स्वाद नहीं आता। नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा तो सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते हैं, सुना बस भागे। अगर फुर्सत हुई सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, तब तो ऊंच पद पा सकेंगे। इस त्रिमूर्ति चक्र पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। फॉरेनर्स भी कोई आए तो उनको समझाओ, कितनी अच्छी नॉलेज है। यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज है। सन्यासी लोग बाहर जाते हैं भारत के प्राचीन राज्यों की नॉलेज देने, परंतु वो दे नहीं सकते। तुम्हारे पास फैक्ट्स फिगर्स सब हैं, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। प्रोजेक्टर पर भी तुम सब चित्र दिखाए नॉलेज दो तो बहुत अच्छा। विलायत में भी प्रोजेक्टर पर बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हो, वह सुनकर बहुत खुश होंगे। क्राइस्ट अभी कहाँ है, फिर कब आएगा उनको पता पड़ जाएगा। ड्रामा के चक्कर का ज्ञान तो मिल जाएगा ना, तो साथ में प्रोजेक्टर है तो उस पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। इसमें कोई मना नहीं कर सकते, कोई को भी समझा सकते हो। स्लाइड सब ले जाओ, अंग्रेजी में हो तो अच्छा है, मेहनत भी करनी है। सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए तो जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते रहते हैं, मत देते रहते हैं। चीज लेने वाला भी बड़ा समझू सयाना अकलमंद चाहिए। स्लाइड्स में अक्षर बहुत क्लियर चाहिए, जो मनुष्य पढ़ सके, हिंदी इंग्लिश दोनों हो। उर्दू मद्रासी भी बनाने पड़े, फिर प्रोजेक्टर में कहां भी समझाना सहज हो जाएगा। आप सामान बनाने की सर्विस करनी है, तब अच्छा पद पाने की उम्मीद हो सकती है, नहीं तो क्या पद मिलेगा। मनुष्य बेचारे बहुत दुखी हैं, बाप का परिचय देने से खुशी होती है ना। कई बच्चों ने बाबा को कभी देखा भी नहीं है, फिर भी पत्रों में लिखते हैं कि बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। कितनी बांधेलियां हैं, वह भी तब छूट सकती हैं जब तुम्हारा नाम निकले, प्रभाव निकले। अपनी हम जिन्स को जेल से छुड़ाना है, सर्विस नहीं की तो क्या पद पाएंगे। अंत में सब साक्षात्कार होंगे, फिर अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे। बाप साक्षात्कार कराते रहेंगे, बाप का बनकर फिर क्या क्या डिसर्विस की फिर पछताना होता है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि सर्विस पर अच्छी रीति लगना है। बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए सर्विस करने वाली। विचार करना चाहिए कि बाबा की सर्विस में क्या मदद करें जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में कितना माथा मारना पड़ता है, कम बात नहीं है। फिर भी बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं। परंतु है गुप्त, कर्म बंधन का भी हिसाब किताब कितना कड़ा है, जो पुरानी दुनिया को भूलते ही नहीं। धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटकता है, नई दुनिया में लगता नहीं। इसको कहा जाता है कर्म खोटे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है आप समान बनाने की सेवा करनी है।
कोई ऐसी करतूत तो नहीं करनी है जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। और सेकंड पॉइंट है, बाप हमें चल और अचल यानी मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं, इसी खुशी और नशे में रहना है। बाबा ने आज वरदान दिया वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। तो यह सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशंस ना हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो तब डबल सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है, फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।